कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस और विकास के बीच गोलीबारी हुई। इस दौरान विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। आपको बता दें, विकास दुबे कानपुर गोलीकांड के बाद से ही फरार चल रहा था। गुरुवार को ही विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल गुरुवार सुबह विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और सुबह 9:55 पर दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को विकास दुबे के एनकाउंटर पर एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दुबे को सीने और कमर पर गोली लगी। युवक को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। बहरहाल कुख्यात गैंगस्टर का खात्मा जरूर हो गया, लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे हैं, जिनके जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।